हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि ब्लॉग बनाऊं, बट हिम्मत सा नहीं कर पा रहा था। तो आज मौसम भी सही है, स्नो नहीं पड़ रही है, तो सोचा कि आज आप सबसे एक सलाह मशवरा कर ही लूँ। तो सोच रहा था यार कि ब्लॉग बनाऊं, सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे लोग, बट फिर सोचा यार हर यूट्यूबर ने कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की ही होगी, एक व्यू से, 100 व्यू से, 1000 व्यू से, तभी तो मिलियन बने होंगे। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि चलो एक बार ये भी कुछ ट्राई करके देखते हैं। तो आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। होप कि आपने जैसे पहले मुझे प्यार दिया, इसी तरह से आगे भी प्यार देते रहेंगे। तो सपोर्ट मांगने के लिए मेरे पास मेरी यूट्यूब, मेरी फेसबुक फैमिली है। तो आप सबसे सपोर्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल कुमार एनकोर को लाइक करो। ब्लॉग बनाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। तो आज मेरा यही ब्लॉग है कि आज मैं ट्राई कर रहा हूं कि कैसे बोलते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है यार। ऐसा लगता है कि हाँ कैमरा के सामने बात करना बहुत आसान है, बट बिलीव मी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो देखते हैं आगे कैसे होता है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं सुदर्शन, इस वक्त मैं कैनेडा में हूँ, जम्मू से बिलोंग करता हूँ। ये मैंने चैनल का नाम कुमार एंड कौर इसलिए रखा क्योंकि मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और मेरी वाइफ का नाम है कमलप्रीत कौर। तो मैं आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। कमल, प्लीज़ कमल से हाय। ये मेरी वाइफ कमलप्रीत कौर। तो हम दोनों के नाम से ही मैंने चैनल का नाम रखा है। हवा काफ़ी चल रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी थोड़ी सी हवा की, विंड चल रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल कुमार एंड कौर को। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। घर वापस जाते जाते यार मैंने एक चीज़ और सोचा कि आपको एक चीज़ बता देते हैं, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है जो इंडिया में भी होनी चाहिए। यहाँ पे हर चौराहे पे ना इस तरह का बोर्ड लगा रहता है, यहाँ पे होता है स्टॉप और ऑल वे। यहाँ पे हर चौराहे पे गाड़ी जो भी आएगी वो रुकेगी ही रुकेगी, और जो पहले गाड़ी रुकेगी वही गाड़ी मिलेगी। इसलिए यहाँ पे लाइट्स की ज़रूरत थी, वो सामने गाड़ी आई लेकिन वो रुक गई, और ये मैं पहले आके रुक गया था, इसलिए मेरी टर्न है कि मैं मूव कर लूँगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहीं पर भी चौराहा आएगा, हर जगह जहाँ पर भी चौराहा आएगा ये रहेगा ही रहेगा, ये बोर्ड रहेगा ही रहेगा कि मतलब हर जगह आपको यहाँ पे लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं। अब देखना आगे भी एक चौराहा आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए चौराहा आ रहा है, वो गाड़ी पहले आके रुकी थी, तो यहाँ पे हमें रुकना ही रुकना है। मतलब रूल ये कहता है कि हमें 4 सेकंड के लिए रुकना है, और ये हर चारों तरफ से रहेगा, ये जो साइन है ये चारों तरफ से रहेगा। तो ये सोचा मैंने आपको बता दूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और रेजिडेंशियल एरिया में 40 की स्पीड है, तो इतना ज़्यादा कोई ड्राइविंग में इशू नहीं है, यहाँ पे हर कोई चलाना सीख सकता है। बस रूल्स थोड़े से चेंज हैं, देखिए यहाँ पे भी आपको वही दिखेगा, यहाँ कॉर्नर पे आपको स्टॉप का बटन दिख रहा है, राइट, उसका लिखा हुआ ऑल वे, मतलब हर वे से गाड़ी जो है वो रुकेगी रुकेगी। बस यही था सोचा आपको बता दूँ। थैंक्स, और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।